दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में हमें एक बार फिर से साल 2024 के पहले मैनेजमेंट में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें टीम केकेआर की तो यहाँ पर हमें कोचेस के अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें तो ना सिर्फ केकेआर बल्कि टोटल चार टीम अपने मैनेजमेंट के अंदर कोचिंग स्टाफ में बदलाव करने वाली है। बट यहां पर जो जो ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं इनसे सभी के ऊपर बातचीत यहां पर जारी है और यहां देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि कौन सा प्लेयर कौन सा कोच किस टीम से कॉन्ट्रैक्ट में आता है और क्या यहां पर पैसों की डिमांड करने के बाद वो जो है वो बन पाता है या फिर नहीं। बट यार वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे, बट वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं सबसे पहले पंजाब किंग्स की। तो उन्होंने युवराज सिंह को अपने कोचिंग स्टाफ के अंदर इन्वाइट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेट सी युवराज सिंह उनकी जो उनका अप्लाई हो उसको मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में ये कन्फर्म हो चुका है कि जो रिकी पोंटिंग है उनको रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पर सौरभ गांगुली। इसके अलावा जो SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद है तो उनमें एक दो नहीं बल्कि जो पूरी लाइनअप है जो सभी फैंस चाहते हैं केकेआर में भी हो जाए वो सभी लाइनअप यहाँ पर SRH के अंदर होने वाली है। यानी जो टोटल मैनेजमेंट है वो पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। और अब आते हैं यहाँ पर टीम केकेआर पर। तो टीम केकेआर एक नए कोच से बातचीत के ऊपर है। अब ये कोच असिस्टेंट कोच होगा या फिर हेड कोच होगा या फिर ग्लोबल कोच होगा इसके ऊपर नहीं है, बट ये कन्फर्मेशन आ चुकी है कि एक नए कोच से बातचीत में चल रहे हैं। अब लेट्स सी, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है ये नया कोच कौन हो सकता है और नया कोच जो होगा वो केकेआर का हेड कोच होगा या ग्लोबल कोच होगा या किसी भी टीम का असिस्टेंट कोच हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।